The next SME that we would like to share with you is an individual who, as God would have it, unfortunately lost their job during COVID. However, this resilient individual saw this as an opportunity to start his own business. With us, we have Mr. Muhammad Anas Kinaya, who's proprietor of Rapsters. Over to you, Anas. जी, थैंक यू वेरी मच नादिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो जी मैं स्वेडा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी. थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो करवाना चाहूँगा जी. प्रोफेशनली आई हैव 1.5 decade कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपीरियंस विद पाकिस्तान्स लार्जेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. और मैंने प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पैकेजिंग में, टेक्सटाइल्स में, फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी में और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम किया हुआ है. तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में मेरी काफ़ी अच्छी रिलेवेंस रिलेशनशिप रही है लोगों के साथ. ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं, मैं TTAP का नाम लेना चाहूँगा. इसमें TTAP के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, टेक्सपो और इंटरनेशनल अपैरल शो जो है प्रेग्निया का, वो भी हमने उसको ऑर्गेनाइज कराया हुआ पाकिस्तान में. लास्ट इवेंट जो पाकिस्तान में हुआ, इट वाज नवंबर 2019. और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जी कोविड आ गया. कोविड ने सब कुछ ग्लोबली चेंज कर दिया. लाइकवाइज पाकिस्तान में भी जिस तरह ग्लोबली सब कुछ मुतासर हुआ, पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जो है वो हिट हुई कोविड की वजह से. और जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था वो उन चंद इंडस्ट्रीज में से थी जो सबसे ज़्यादा हिट हुई. इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जैसे एविएशन है और बाय एंड लार्ज सर्विस सेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ कोविड की वजह से. मेरी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कोविड की वजह से. मेरा जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था वो इस इंडस्ट्री के साथ ही था. तो अब इसमें मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही था कि जॉब तो चली गई है, अब क्या करना चाहिए, कोई मज़ीद जॉब करनी चाहिए, कोई जॉब ढूंढनी चाहिए. वो एक अगेन हर्डल था क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया हुआ था उस पे, इस यूनिक एक्सपीरियंस पे कोई जॉब जो है वो मिलना इतनी आसान नहीं थी. स्पेशली जब कोविड की ही वजह से बेशुमार ले ऑफ हो रही थी, कई कंपनीज, कई बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो रहे थे. तो क्या किया जाए, बिजनेस किया जाए. मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, मैंने कभी बिजनेस का सच सोचा नहीं था. बट अगेन मुझे जिस चीज़ ने मोटिवेशन किया, आई राइटली रिकॉल टू माई माइंड, चाइना में मैंने एक विज़िट किया था, उसमें मैंने वहाँ पे, वहाँ से एक मुझे मोटिवेशन हुई कि ऑलमोस्ट जो बड़ी उम्र के भी जो लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करते हुए मैंने देखे, चाहे वो अपनी जॉब्स कर रहे थे, चाहे वो छोटा सा शॉप खोल के बैठे हुए थे, चाहे इवन सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ बेच रहे होते थे. तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक मोटिवेशन तो मुझे चाइना से भी मिली थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया वो हदीस शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तजारत में हैं. इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मुझे ऑलमोस्ट इनक्रेज किया कि जॉब तो बहुत हो गई, अब कुछ अपना किया जाए, चाहे छोटा हो लेकिन अपना हो. और एक करेज के साथ मैंने इसको स्टार्ट करने का सोचा. लेकिन क्या किया जाए, अगेन ये बहुत बड़ी एक मेरे लिए चीज़ थी. मैंने कुछ दोस्तों से, फैमिली से मशवरा किया कि अपना तो अब काम इसमें कुछ करना ही है. मेरी कुछ सेविंग्स हैं वो मैंने इकट्ठी की हुई है. जॉब का कोई इसमें कुछ स्कोप आगे नज़र नहीं आ रहा, कोई रेलेवेंट जॉब मिली भी नहीं है. तो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है इवेंट्स इंडस्ट्री का, उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसको फिर मैंने यूटिलाइज किया
कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट जो है उसको स्टार्ट किया जाए। इस सोच के ऊपर भी काफ़ी जो मिक्स थॉट्स थी, फैमिली में भी फ्रेंड्स में भी लोगों ने कहा कि यार इस तरह की सोच का भी तसव्वुर भी मत करो। कोविड ने लोगों को जॉब्स जो हैं वो ख़त्म कर दी हुई हैं, लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो इस तरह की सोच को इम्प्लीमेंट करना भी एक हमाकत होगी। बट मैंने अपना इरादा, अपने आप को फोकस्ड रखा, अपने आप को कंपोज रखा कि अगर मैंने करना है तो यही करना है। और इसमें एक और मोटिवेशन मुझे ये थी कि नॉट ओनली यस इनकम जनरेशन तो इसमें डेफिनेटली होगी, अल्लाह ताला बरकत देगा, एक और जो सेटिस्फेक्शन की थी मुझे एक चीज़ थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी इसमें मैं उसमें भी एक रोल प्ले कर सकूंगा। कुछ ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको डेफिनेटली मैं हायर करूंगा, और वन वे और दी अदर इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से पॉवर्टी रिडक्शन में थोड़ा सा अपना किरदार भी मैं अदा करूंगा। तो मैंने इसको फिर अपनी थॉट्स को फोकस किया अपना, और लोकेशन सबसे बड़ी मेरी इसमें एक चीज़ थी कि लोकेशन जो है वो मैं कौन सी लूँगा, और कुछ जो ऑलरेडी लोग थे इस बिजनेसेस में उनसे भी मशवरा किया। एक दोस्त हैं ऑलरेडी DHA में, फेज़ 5 में उनका बिजनेस है कार्गो का, प्लस उन्होंने अपना छोटा सा बेवरेजेस का एक बार भी खोला हुआ। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार मेरे पास जगह है, आप ऐसा करो कि अपनी जगह, अगर आपने DHA में आना था, DHA में काफ़ी महंगा सारा सेटअप होता है, तो व्हाई नॉट कि शेयर्ड बेसिस पे रेंट भी शेयर कर लेंगे, प्रेमिसेस भी शेयर हो जाएगा, आप एक अपना डिफरेंट प्रोडक्ट ले आओ, मेरे पास बेवरेजेस हैं तो इसको मिलकर शुरू कर लेते हैं। तो मैंने उनका आइडिया जो है वो मुझे अच्छा लगा, और इसमें डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था, नेचुरली रेंट शेयर हो रहा था। मैंने अपनी जो ऑफरिंग है इसमें मार्केट रिसर्च भी थोड़ी सी की कि लोग जो हैं क्या ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। बेशुमार चीज़ें थी, देसी फूड भी है, चाइनीज़ भी है, फास्ट फूड में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्टिनेंटल है, लेकिन मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे इनिशियली जो लिमिटेड आइटम्स हैं, जैसे आजकल काफ़ी पॉपुलर है रैप्स, और रैप्स में अगर बात की जाए तो मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उसका नाम ऑब्वियसली नहीं लेना चाहूँगा, बट रैप्स में उनका नाम बहुत अच्छा है। अब मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि रैप तो आप लेके आ जाओगे तो आप में दूसरे में क्या फ़र्क होगा, तो कोई अपनी USP होनी चाहिए। तो USP डेफिनेटली एक इसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो सॉस का होता है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट बिजनेस में आप आते हो, पर्टिकुलरली फास्ट फूड में, तो सॉस इसमें काफ़ी मैटर करती है जी। तो सॉस मेरी अल्हम्दुलिल्लाह होममेड है। और फिर एक और मैंने रिसर्च की कि मार्केट में किस किस्म के रैप्स मिल रहे हैं, कौन कौन सी ऑफरिंग है, तो मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि फ़िश जो है जिसको बोनलेस फिश कहते हैं, तो फिश में कोई भी नहीं दे रहा, तो उसको भी मैंने एक अच्छी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि क्यों ना बोनलेस फिश जो है उसका रैप इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अपनी सॉस तो यूनिक है ही, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को टेस्ट मेरा काफ़ी पसंद है। इट्स बीन 6 months, मैंने नवंबर में पिछले साल स्टार्ट किया था जी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि जून में 6 to 7 months हो गए हैं, और स्लो एंड स्टेडली डेफिनेटली मुश्किलात बहुत आई हैं, चैलेंजेस बहुत आए हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे जो है एक फुल ऑफ चैलेंज होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने फोकस्ड रहना है, आपने अच्छी चीज़ देनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ जो है, मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरा जो रेस्टोरेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रहा है, और अल्लाह का शुक्र है। इसमें मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम
ये ग्रो करेगा जी। और साथ मैंने जो इसमें दो से तीन लोग जो मैंने हायर किए हुए हैं, उसमें भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि इस कोविड के दौर में जहाँ पे लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने एक ये भी एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बायस बन रहा हूँ जी। तो ये मेरा छोटा सा सफ़र है जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया जी।